सर, आज लॉरेंस बिश्नोई और जेल की सुरक्षा को लेकर सुओमोटो जो केस लिया था, उसमें क्या आर्गुमेंट हुई और क्या डिसीजन अभी तक आया है? सर, जैसे हम जानते हैं कि जेलों की सुरक्षा के लिए और जेलों के अंदर इंटरनेट की यूसेज को बंद करने के लिए मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रही है, तो उसके तहत आज एडीजीपी साहब ने एक एफिडेविट दिया था मानयोग हाई कोर्ट में, और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम जो जेलों की सुरक्षा के संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज हैं, जैसे कि जैमर्स हैं, बॉडी स्कैनर्स हैं और एक्सरे की मशीनें हैं, ये इन सब चीज़ों की इंस्टॉलमेंट जो है वो हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। जो पिछली डेट पर टाइमलाइन कोर्ट को दी गई थी वो 17 से 18 महीने के बीच में थी, और आज जो टाइमलाइन मानजो कोर्ट के आगे दी गई वो 3 महीने की थी। तो 3 महीने के अंदर वो कहते हैं कि हम सारी जेलों के अंदर जैमर्स की प्रोविजन पर जो है वो पूरी कर देंगे, और इसके साथ साथ हम जो बॉडी स्कैनर्स हैं, नायलॉन मैश है, दीवारों को ऊंचा करना है, ये सब सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देंगे। लेकिन मानजो कोर्ट जो है वो एक चीज के लिए संतुष्ट नहीं थी, वो ये था कि जो लैंडलाइंस होती हैं, जो लैंडलाइंस हैं वो रूट कॉज हैं, क्योंकि अगर लैंडलाइंस अवेलेबल होंगी तो जो आम कैदी है जिसके पास पैसा नहीं है और वो जेल के अंदर बंद है और उसको नजायज तौर पे मोबाइल फोन की यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर लैंडलाइन सफिशिएंट होगी, तो उसके लिए पंजाब सरकार ने 8 महीने का समय मांगा था, जो कि मानयोग कोर्ट को उचित नहीं लगा। और ये कोशिश की गई है कि जो एडीजीपी जेल्स को ये कहा गया है कि इस टाइम पीरियड को कम किया जाए और 8 महीने से कम करके ये 2 या 3 महीने के समय के भीतर ये फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। तो ये तो हो गया जेल की सिक्योरिटी को लेकर, और जो लॉरेंस बिश्नोई के रिगार्डिंग इंटरव्यूज के रिगार्डिंग जो FIR रजिस्टर हुई हैं और उसके ऊपर जो SIT की स्थापना हुई है, उसको मानजो कोर्ट ने सिर्फ 2 महीने का समय दिया है कि 2 महीने के अंदर SIT अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करके मानजो कोर्ट के आगे रिपोर्ट देगी, और जो नेक्स्ट डेट है वो 7 फरवरी की नियुक्त की गई है। 7 फरवरी को जो SIT टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड के अंदर जो भी डेवलपमेंट होगी वो कोर्ट को सजेस्ट करेगी या बताएगी।